बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केला देवी एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत का सपना देख रहे और सभी अधिकारियों को स्वच्छ भारत बनाने के लिए निर्देशित भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा एक मामला केला देवी का सामने आया जहां सड़क निर्माण के दौरान पानी के लिए नाली नहीं निकालने को लेकर कहासुनी हो गई। पानी निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण कॉलोनी में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां अभी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और वो भी हो गया, लेकिन कॉलोनी में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पानी निकासी के लिए नाली निकालने को लेकर विरोध किया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजकार्य में बाधा डालने वाले असामाजिक तथ्यों द्वारा अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण ऐसे समाज कंठक लोगों के हौसले बुलंद है। राजकार्य में बाधा डालने वाले ऐसे व्यक्ति को कठोर कार्रवाई करके उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कॉलोनी में पानी निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कॉलोनी में पानी भर जाता है। इसके चलते कई बार आपसे कहासुनी में लोगों में झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन सिर्फ मौन धारण किए हुए है। हमारे यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य, गली का निर्माण हो रहा है, निर्माण होने के बाद में भी लोग यहाँ पर नाली नहीं बनने दे रहे हैं, नाली निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने कर रहे हैं। हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले यहाँ पे सामने खड़े हुए हैं, हम अभी आपसे इनसे बात कराते हैं, देखो इनका क्या कहना है। हाँ जी, आप बताइए आपके क्या परेशानी है। नाली नहीं है, काम लगातार चालू है, कहीं भी नाली नहीं देते, पानी निकलने देते, गाली देते, मारने पीटने को भगते, नल में तोड़ देते, डेली का यही काम है, दिन का काम और नहीं है, और नली भी नहीं बना दे रहे दोनों साइड। 20 साल हो गए इनकी सुनते सुनते कान तक सुने। गड्ढा गड्ढा गड्ढे क्या था गड्ढे की गड्ढा को खुदवाते घरों में, कहा गड्ढा खुदेगा हम पे, मकान के अंदर कोई गड्ढा खुदा जाता है नहीं भाई, शहर में कोई मकान के अंदर पानी का गड्ढा एक नाली और एक साइड नाली दोनों बनती है, नाली दोनों साइड ही होती है। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि महिलाओं ने बताया, यहाँ के मोहल्ले की महिलाओं ने बताया है कि नाली निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा है, इसमें रोक लगा रखी है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, रोड पूरी गीली रहेगी, ये लोग नाली नहीं बनने दे रहे हैं। 2 साल से काफ़ी परेशानी का सामना करने के बावजूद अब जाकर के सड़क बन रही है, इसमें नाली निर्माण कार्य नहीं होने दिया।